हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि पीएलसी थ्रू और स्काडा थ्रू हम लोग एसी ड्राइव को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम लोग देखेंगे ये वीडियो में। हम लोग क्या करेंगे, एक एनालॉग इनपुट से और एक एनालॉग आउटपुट से फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो हम लोग आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक हम लोग ने डिजिटल आउटपुट क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिले कार्ड ऑन है वो डिजिटल आउटपुट है। हम लोग ने पीएलसी थ्रू उसको यानी स्काडा थ्रू उसको ऑन किया है और साथ में एसी ड्राइव को वो रन कर रहा है। वो आउटपुट से एसी ड्राइव को हम लोग ने रन करा है। साथ में हम लोग ने एक एनालॉग आउटपुट डिफाइन किया है पीएलसी के अंदर, उसको हम लोग स्काडा थ्रू कंट्रोल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एनालॉग आउटपुट से स्केलिंग करके हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ फ्रीक्वेंसी अभी स्काडा थ्रू दिया है। स्काडा में ये वैल्यू अभी आप देख सकते हो कि हम लोग ने कुछ वैल्यू स्काडा में स्लाइडर थ्रू हम लोग स्काडा में वेरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा कंट्रोल होगा। तो आज हम लोग देखेंगे ये कैसे हम लोग करना है, हमको वो हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे कैसे स्काडा थ्रू एसी ड्राइव हम लोग कंट्रोल करते हैं एनालॉग आउटपुट से। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एनालॉग आउटपुट जो है पहले हम इसको ऑफलाइन कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे एनालॉग आउटपुट का एड्रेस कौन सा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि AQW16 करके जो है वो पहली चैनल का पहला आउटपुट है, उसका एनालॉग आउटपुट जो है उसका हम लोग वोल्टेज कितना लिया है। तो पहली चैनल में हम लोग देख रहे हैं 0 to 10 volt है, यानी हम लोग जो भी कंट्रोल करके आउटपुट निकालेंगे वो 0 to 10 में होगा। ओके, नाउ हम लोग ने क्या किया है, एक वैल्यू जो है जो एक 10 वोल्ट है वो हम लोग ने 10 वोल्ट यहाँ पे पास आउट किया है। एनालॉग इनपुट में 10 वोल्ट देके हम लोग ने 2006 में लिया है, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करके हम लोग ने 2010 में दिया है। वो वैल्यू 2008 कहाँ से आ रही है, तो वो हमारी आ रही है एक्चुअली स्काडा थ्रू, यानी स्काडा यानी ये पर्टिकुलर के जो हमारा स्लाइडर है उसमें से वैल्यू हम लोग ने क्या किया है, वो 2010 करके जो वैल्यू है वो हम लोग ने यहाँ पे माइनस किया है। तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली वो वैल्यू कैसे आती है। आप देखोगे यहाँ पे तो ये वैल्यू जो 2010 में एक टैग बना के हम लोग ने ये वैल्यू यहाँ पे लिया है। आप जनरल में जाना पड़ेगा, ये स्लाइडर जो है 2008, यानी मैंने बोला वो हिसाब से 2008 जो है वो माइनस किया है हम लोग ने 10 वोल्ट जो एनालॉग इनपुट है, और बाद में 2010 में VW 2010 में एक वैल्यू मिल रही है। 2010 की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालॉग आउटपुट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू डेट 2010 की वैल्यू हम लोग जाने दे रहे हैं अपने ड्राइव्स में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, आज आपको ये पर्टिकुलर स्केलिंग कैसे करके कैसे एनालॉग आउटपुट हम लोग को देना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार ये रन करके दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट स्टॉप और स्पीड कंट्रोल कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रन टाइम ऑन हो रहा है, अभी हमको जाना है एनालॉग में। यहाँ पे स्टॉप मोड में अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉप मोड में है। जैसे स्टार्ट में दबाऊंगा रिले मेरी ऑन हो गई। अब मैं क्या करूंगा कि एक स्लाइडर को ऑन करूंगा। अकॉर्डिंग टू स्लाइडर में ऑन करने के बाद पीएलसी में जाके हम लोग देखेंगे वैल्यूज क्या आ रही है। ये एनालॉग आउटपुट की वैल्यू जो है वो 12,233 के समथिंग है। जैसे मैं कुछ चेंज करूंगा ये वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। ये बढ़ गई, 15,000 हो गई। तो 0 से लेके 2,706 यानी 27,648 वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। जब वो वैल्यू आएगी तब 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको 50 हर्ट्ज करना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमम कर देंगे।
ये मिनिमम कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू करने से यहाँ पे एनालॉग आउटपुट जो है वो मैक्सिमम पहुँच गया है। मैं आपको वीडियोस में भी दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ये वैल्यू जो है वो हमारा अभी मैक्सिमम करीबन 50 हर्ट्ज़ के आजू बाजू आ गया होगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। मैं ट्रांसफ़र, ये आप अगर ये वीडियो में आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे स्लाइडर से मैं जैसे ही कंट्रोल करता हूँ वो अपना ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो एक वीडियो में मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं जैसे ही स्लाइडर ऊपर नीचे कर रहा हूँ वैसे ही वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी ऊपर नीचे होगी। और स्टॉप कमांड देने से ये स्टॉप भी हो जाएगी। फिर से स्टार्ट कमांड देने से वो ऊपर चली जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग ने इसका जो वायरिंग किया है ना उसका एक ब्लॉक डायग्राम जो है हम आपको बता रहे हैं, यानी वायरिंग डायग्राम पूरा डिटेल्स में आपको स्क्रीन पे हम लोग बता रहे हैं, जिससे आप वायरिंग साइड क्या करना पड़ेगा वो आपको पता चले। थैंक यू।